कार्तिक आर्यन ने 9 करोड़ वाली जहरीली एड को दिखाया ठेंगा। भूल भुलैया फेम स्टार नहीं चाहते अक्षय कुमार वाली गलती। अक्षय कुमार के नक्शे कदम पर चलने वाले कार्तिक आर्यन ने अब ठान ली है कि वो अक्षय कुमार वाली गलती नहीं रिपीट करेंगे, क्योंकि अपनी गलती से अक्षय को कितना नुकसान उठाना पड़ा है ये तो जग जाहिर है। और ऐसे में कार्तिक अपने मेंटर के फिल्मों के हस्र को देखते हुए एक भी कोई गलती से मिस्टेक नहीं करना चाहते। तभी तो कार्तिक ने मिले 9 करोड़ के पान मसाला एड को ठोकर मार दी है। दरअसल बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार कार्तिक आर्यन ने पान मसाला को एंडोर्स करने के लिए एक शानदार अट्रैक्टिव एड को ना कह दिया है। लिहाजा कार्तिक आर्यन ने लगभग पान मसाला को एंडोर्स करने के लिए 8 से 9 करोड़ के ऑफर को पलक झपकते ही ना कह दिया है। भूल भुलैया 2 के बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ सक्सेस के बाद से कार्तिक को हर एक बड़ा डायरेक्टर अपनी फिल्म में साइन करना चाहता है। इवन एड वगैरह के भी ऑफर भी खूब आ रहे हैं कार्तिक के पास। लेकिन अब कार्तिक समझदारी का प्रूफ देते हुए प्रोजेक्ट्स को बहुत ही सोच समझ कर अपनी झोली में डालने लगे हैं, क्योंकि आजकल जो बॉयकॉट का चलन चला है जिससे बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स फुस होते दिखाई दे रहे हैं, और उनमें एक है अक्षय कुमार, जिनकी कुछ डिसीजन से उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई। जी हाँ, अक्षय कुमार के लगभग 300 करोड़ की बजट में बनी पृथ्वीराज का क्या हाल हुआ ये तो आप जानते हैं। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार ने फिल्म रिलीज से पहले पान मसाला का एड जो कर लिया था। ऐसे में फैंस नेटिजन्स भड़क गए और अक्षय को पटखनी दे डाली। और ऐसे में अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही कार्तिक के साथ भी होने वाला था, लेकिन कार्तिक ने अपने गुड डिसीजन मेकर होने का सबूत दे दिया है। हालांकि कार्तिक अक्षय कुमार वाली फ्लॉप फिल्मों की ढेर पर सवार बिल्कुल नहीं होना चाहते हैं, इसीलिए कार्तिक ने 9 करोड़ के ऑफर को ना कह दिया है। क्योंकि अक्षय कुमार का पान मसाला वाला एड जब ब्रॉडकास्ट हुआ था तब इस सामने आए इस एड में शाहरुख खान और अजय देवगन अक्षय कुमार का इस एड में वेलकम करते दिखाई देते हैं। ये पहली बार था जब बॉलीवुड के 3 बड़े स्टार्स एक साथ किसी एड में नजर आए थे। अजय देवगन तो पहले से ही कई पान मसाला ब्रांड को एड करते हैं, एंडोर्स करते हैं, लेकिन शाहरुख खान के इस एड में भी आने पर इतना बवाल नहीं मचा जितना के अक्षय के इस एड में आते ही लोगों ने उनकी आलोचना करना शुरू कर दिया था और उन्हें जमकर ट्रोल किया था। खैर, आपको बता दें कि इससे पहले अक्षय माफी भी मांग चुके थे। हालांकि कार्तिक एक यूथ आइकॉन के तौर पर भी उभर कर आए हैं। ऐसे में कार्तिक के कंधों पर अपनी फिल्मों से लेकर सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मसलन कार्तिक सिर्फ रील ही नहीं बल्कि रियल हीरो भी बनने की राह पर चल पड़े हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।